रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट टू कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री इन अ प्लेन थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन इज। तो सी, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें एक प्लेन गिवन है ना, हम पहले इसका फिगर बनाते हैं कैसा होगा। एक प्लेन हमें गिवन है, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, इस क्वेश्चन क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन। एक पॉइंट है हमारे पास में टू कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री, और हमें इस पॉइंट की क्या होते हैं, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। अब अगर ये इस प्लेन की क्या बोलते हैं इक्वेशन है, तो जो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा उसके कोएफिशिएंट से होंगे, मतलब या फिर मैं बोलूँ डायरेक्शन कोसाइन इसके होंगे, वो होंगे थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस वन। तो इनडायरेक्टली अब हमें पता है, सी अगर हम मिरर इमेज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पॉइंट और उसकी मिरर इमेज को ज्वाइन करेंगे, तो वी नो सबसे पहली बात, तो जैसे अगर ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सी, वो क्या करेगा, प्लेन में लाई करेगा, है ना। और ये जो लाइन होती है ज्वाइन करने वाली ए बी, ये परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी लाइन क्या होगी, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ से क्या बोलता हूँ, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ इस लाइन की, तो लाइन ए बी की इक्वेशन हो जाएगी, लाइन ए बी इज इक्वल टू, लाइन ए बी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से होगा एक्स माइनस टू, यहाँ से होगा एक्स माइनस टू अपॉन वॉट, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस वन विच इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वॉट, जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस वन। लेट से ये वैल्यू क्या है, किसी इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कर देंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री लैम्डा प्लस टू कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, माइनस टू लैम्डा माइनस वन, एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, माइनस वन लैम्डा प्लस थ्री। ये हो जाएंगे किसके एक्स वाई और जेड कोएफिशिएंट्स। नाउ अब ये तो क्या है, कोई अब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, है ना। तो हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि सी क्या है, इस लाइन पर ही है। तो इस लाइन का और इस प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उससे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। यहाँ से हम लिखते हैं प्लेन की इक्वेशन थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन, है ना। अब हम अगर इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो पॉइंट की इक्वेशन क्या जाएगी, पुट करते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू, तो थ्री इंटू थ्री लामडा प्लस टू माइनस टू इंटू माइनस टू लामडा माइनस वन, फिर आएगा माइनस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, थ्री माइनस लामडा, और क्या जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए आगे माइनस थ्री, और माइनस लामडा करके प्लस लामडा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू नाइन। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो थ्री इंटू थ्री लामडा इज नाइन लामडा प्लस सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस टू लामडा इज ये क्या जाएगा प्लस फोर लामडा, और माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू, देन माइनस थ्री प्लस लामडा इज इक्वल टू नाइन, नाइन लामडा प्लस फोर लामडा इज थर्टीन लामडा, एंड प्लस वन इज फोर्टीन लामडा, और बाकी की कॉन्स्टेंट टर्म का सम क्या जाएगा, सिक्स प्लस टू इज एट, एट माइनस थ्री इज फाइव, और इस साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या जाएगी, नाइन माइनस फाइव, नाइन माइनस फाइव क्या जाएगा इक्वल टू फोर। तो लामडा की वैल्यू क्या जाएगी, लामडा इज इक्वल टू टू बाय सेवन, तो लामडा इज इक्वल टू टू बाय सेवन। तो यहाँ से अब हमारे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स क्या जाएंगे, सी एक्स वाई और जेड, ये क्या आएंगे, किसके कोएफिशिएंट्स आएंगे, सी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सी पॉइंट के, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, थ्री लैम्डा प्लस टू, तो इसे कह सकते हैं सिक्स बाय सेवन प्लस टू विच इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय सेवन, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस टू लैम्डा माइनस सेवन, तो क्या लिखा हुआ है, माइनस फोर बाय सेवन माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस इलेवन बाय सेवन कॉमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है थ्री माइनस लैम्डा, तो थ्री माइनस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कहा थ्री माइनस टू बाई सेवन इज ट्वेंटी, नाइनटीन बाई सेवन, देखा नाइनटीन बाई सेवन, ये आ गए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। और अब पॉइंट ए जो होगा उसके हम कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है टू कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री, ये हमें क्या गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम चेक भी कर लेते हैं एक बार, तो ए के कोऑर्डिनेट्स भी ये आएंगे सी टू कॉमा माइनस वन कॉमा थ्री।
अभी एक ही कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें पता है कि जो बी पॉइंट, जो सी पॉइंट है वो क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो हम यहाँ क्या हो सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, मतलब सी का कोई भी एक्स या वाई या जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट प्लस बी का कोऑर्डिनेट बाय टू। तो सिमिलरली यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ये हो जाएंगे टू टाइम्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब हम ट्राई करते हैं ठीक है इक्वेशन लिखने की। तो अब यहाँ से अगर हम बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे, सी सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो टू टाइम्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट 40/7 माइनस टू, तो 40/7 माइनस टू इज इक्वल टू 26/7। नाउ अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2c मीन्स माइनस 22/7, और माइनस 22/7 उसमें हम क्या करना है, हमें माइनस ऑफ माइनस वन करना है। तो एक्चुअली मैं लिख ही देता हूँ इसे, कैसे आएगा माइनस ऑफ 22/7 माइनस माइनस वन, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट के लिए। एंड सिमिलरली जेड के लिए क्या होगा, 19/7 इंटू टू इज 38/7, एंड माइनस क्या करना है इसमें से, माइनस करना है इसमें से 3, ठीक है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है ये का 3। तो अब यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे तो क्या आएगा 26/7, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 22+7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15/7। एंड सिमिलरली 38/7 माइनस 3 इज, ये क्या हो जाएगा 38-21 विच इज अगेन इक्वल टू 17/7। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू इज इक्वल टू 26/7 कॉमा -15/7 कॉमा 17/7, ये आ गए किसके, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26/7 -15/7 एंड 17/7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।